हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीता स्मीकर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको स्किन केयर करके दिखाऊंगी, हम अपनी लाइफस्टाइल में कैसे हम अपनी स्किन केयर करें, तो ये मैं आपको बताऊंगी आज। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो प्रेस कीजिए, तो ताकि जो भी मैं वीडियो आपको डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नाइट स्किन केयर करके दिखाने वाली हूँ, अपनी स्किन की केयर हमने कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे वीकेंड पे हमने स्किन केयर करनी है, और या फिर आप डेली अपनी स्किन केयर तो करनी करनी है, तो वीकेंड पे भी कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो वीकेंड का जो होता है स्किन केयर वो अलग होता है, और डेली आपने जो करनी है वो अलग होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, मैं आपको नाइट स्किन केयर करके दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट मैं ये हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये नीम फेस वॉश है, और ये जो जिनके पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उनकी स्किन के लिए है ये, और या फिर आप इसको समर में भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके पिंपल नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर गर्मियों में पसीना बहुत होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप ये वाला यूज़ कीजिए। ये क्लियर कॉम्प्लेक्शन करता है और ब्राइटनिंग फेस वॉश है ये, या आप इसको सर्दी में यूज़ कीजिए क्योंकि ये थोड़ा क्रीम बेस में है, और ये है ये जेल बेस में। तो आज मैं ये यूज़ करूँगी क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बाल टाई कर लिए, आपने जब भी करना है बाल को पहले बांध लीजिए। तो ये मैं फेस वॉश यूज़ करूँगी हिमालय का, आपने थोड़ा सा लेना है, ये देखिए। अपने अच्छे से क्लीन करना है, और 2 मिनट कम से कम इसको मसाज से करके क्लीन करना है पहले अच्छे से। आपने फेस वॉश आप जो भी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, स्किन में जाना चाहिए वो, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा लिया और फटाफट वॉश कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और थोड़ा सा पानी लेके मसाज करनी है आपको। नेक पे भी करना है, अच्छे से डीप क्लीन करना चाहिए आपको स्किन, क्योंकि हम धूप में जाते हैं दिन में, और रात को आपने जरूर फेस वॉश करके सोना है पूरा मेकअप उतार के। आइस के ऊपर सारा अच्छे से हमने क्लीन करना है, नोज़ के पास जहाँ पे आपको लगता है कि ब्रेकआउट्स जल्दी हो जाते हैं। जितनी भी धूप में हम जैसे दिन में जाते हैं तो धूल मिट्टी जो भी हमारे फेस पे जमी होती है वो सारी अच्छे से क्लीन करना है, अपने एयर वगैरह सारे क्लीन करने हैं अच्छे से। कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो पहले 2 मिनट मसाज करके क्लीन करके अच्छे से। फिर वॉश करना है आपने, आपने डायरेक्ट लेके फटाफट जल्दी जल्दी में फेस वॉश नहीं करना। अब वीडियो को मेरी शेयर कीजिए प्लीज आप, और कमेंट्स कीजिए कि आपने कौन सी वीडियो देखनी है, कैसी वीडियो देखना चाहते हैं आप, और जो भी आपने क्वेश्चन करने हैं वो कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं। ये मैंने कर लिया, अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि मैंने फेस वॉश कर लिया, अब इसको हम ड्राई कर लेंगे। जब भी आप टॉवल से क्लीन करते हैं तो आपने सिर्फ डब डब करके करना है, अपने फेस को रगड़ना नहीं है। ये देखिए क्लीन हो गया फेस, ये जितनी भी धूल मिट्टी डस्ट जो भी थी हमारे फेस की वो निकल गई है। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी, आप चाहें तो थोड़ा सा टिश्यू से भी ड्राई कर सकते हैं।
ये ड्राई कर लिया मैंने। अब मैं ये गुड्स वाइब्स का ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, तो ये ग्रीन टी टोनर है, काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये, तो अब इसको यूज़ कीजिए। सेकंड हमने फेस वॉश, पहले हमने फेस वॉश कर लिया और सेकंड स्टेप हमने टोनर यूज़ करना है। इसको हम थोड़ा सा शेक कर लेंगे और हमने आइस बंद करके बस इसको मैं ऐसे डैप कर लेंगे थोड़ा सा। ये हमने ऐसे ही छोड़ देना है। इससे ये फायदा है कि जो भी आपके ओपन पोज हैं वो आपके पोज ठीक होंगे और वाइट हेड ब्लैक हेड मतलब होंगे नहीं और काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि आप टोनर अगर रेगुलर यूज़ करते हो तो आपके एक्ने वगैरह काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं, और स्किन केयर करोगे तो आपके एक्ने वैसे भी ठीक हो जाएंगे। और थर्ड स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगी, ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप्स सीरम है ये, ये देखिए ये यूज़ करूँगी मैं, काफ़ी अच्छा है ये, और अगर आप 30 प्लस हैं तो आप सीरम ज़रूर यूज़ कीजिए। ये एंटी एजिंग सीरम नहीं है, नॉर्मल सीरम है ये, पर बहुत ही अच्छा है, स्किन आपकी मेंटेन रहेगी। इसको अपने ऐसे बस लेके लगा लेना है और थोड़ी सी मसाज करनी है अपने। नेक पे भी फेस के साथ साथ हमने नेक पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि लाइनें पड़ने शुरू हो जाते हैं यहाँ से। देखिए फेस क्लीन लग रहा होगा आपको। अब रात को सोने के टाइम अपने स्किन को नरिश करके जरूर सोना है, अपने ऐसे ड्राई फेस छोड़ के नहीं सोना, नहीं तो जल्दी रिंकल्स पड़ जाएंगे और पिगमेंटेशन हो जाते हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे फेस पे अगर हम स्किन केयर नहीं करेंगे तो। अब हम अपनी स्किन केयर तो हम खुद ही करेंगे, इसके लिए हमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना। और अगला स्टेप मैं करूँगी, मॉइस्चराइजर लगाऊँगी, आले का मॉइस्चराइजर है ये। ये स्किन को नरिश करता है और काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ही माइल्ड है ये, नॉन स्टिकी भी नहीं है ये, कि जैसे आप चिपचिपी सी हो जाए अगर गर्मियां हैं, अभी गर्मियां हैं तो आप लगाओ तो आपको लगा कि चिपचिपी सी हो रही है, तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको, बहुत अच्छा है ये। ये हम थोड़ा सा ले लेंगे, नेक पे भी लगाएंगे। और अपने हैंड पे भी लगाना है अपने, ये मैं इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना लूँगी लेग्स और आर्म्स के लिए कि आपने इसकी केयर कैसे करनी है। बाकी मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं बॉडी पॉलिशिंग की और लेग्स एंड आर्म्स की, तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं आप जाके। और फेस सीरम की भी बनाई हुई है मैंने कि अब होममेड सीरम अपना घर पे खुद बना के कैसे लगा सकते हैं। अब हमने स्किन ऐसे ही हमने इसको छोड़ देना है और हमने मॉर्निंग में सिर्फ नॉर्मल वाटर से हमने फेस वॉश करना है। और एक चीज़ और, अपने लिप्स का भी ध्यान रखना है, ये लैक्मे का लिप बाम है, ये लगा सकते हैं आप, तो ये थोड़ा कलर वाला है,
आप इसको डे में लगा सकते हैं, आप इसको डे में लगाइए, और नाइट में आप इसको स्किन लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए वैसलीन लगाइए। देखिए ये नॉर्मल जो वैसलीन होती है ये लगाइए। बस आपने इसके बाद आपने सो जाना है, आपने कुछ और फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है इसके बाद, और सुबह आपने उठ के नॉर्मल वाटर से आपने फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने डे वाली जो स्किन केयर है वो मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगी कि आपने डे वाली स्किन केयर कैसे करनी है, उसमें डिफरेंट है थोड़ा सा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो भी मैं डालूँ वो आपको सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी आपने पूछना है तो आप कमेंट्स कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।